अब ये जो ट्रेंड आता है फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एन तो जैसे अभी हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो इसका उल्टा भी होता है कि जब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इन तो अभी इसको डिफाइन करोगे तो वी कैन डिफाइन इट दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज एडेड विद एन इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी रिलीज होगी तो केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें नेगेटिव साइन लगा होता है तो यहाँ पर जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे ये ज़्यादा रिलीज मतलब ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू कम रिलीज मतलब कम बड़ी नेगेटिव वैल्यू तो जितनी ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उतना बड़ा बोलेंगे अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी के टर्म्स में आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी होती है आने में और जितना आसानी होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है तो अगर आप ट्रेंड की बात करोगे तो अगर हम पीरियड पे आए पहले तो लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है मतलब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो बिगर नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी जितना ज़्यादा आप हेलोजेंस के क्लोज जाओगे उतनी ज़्यादा आपको बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी इसके बाद जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो देन वॉट हैपन्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गो फ्रॉम अ बिगर नेगेटिव वैल्यू टू अ लोअर नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी तो ये जनरल ट्रेंड होते हैं अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बड़े स्मूथ टर्म्स जो ट्रेंड्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। अब यहीं पर भी देखो ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन के केस में ये लोग सबसे ऊपर हैं पर फिर भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा नहीं है अब उसका कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्लोरीन और ऑक्सीजन होते हैं उनका साइज थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन देते जिस वजह से उसको अंदर आने में दिक्कत होती है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है या लेस नेगेटिव होती है सेकेंड ग्रुप और ग्रुप फिफ्टीन में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई बहुत स्मूथ ट्रेंड नहीं होते कई तरह के एक्सेप्शन इन्वॉल्व होते बट अ जनरल ट्रेंड की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीज गोज फ्रॉम अ हाइयर नेगेटिव वैल्यू टू अ लोअर नेगेटिव वैल्यू अभी एक और टर्म की बात करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी ये होती क्या है दिस इज अ टेंडेंसी टू विदड्रॉ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू वर्ड्स इट सेल्फ तो अभी क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि अकेले किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सेंस नहीं बनता मतलब कि उसको बॉन्डेड होना पड़ेगा और बॉन्डेड होना पड़ेगा तो उसमें दो किस्म के एटम होंगे अगर आप किन्हीं दो की बात करोगे वन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अलग विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाए उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल देते हैं तो अब जब आप नॉर्मल देखोगे तो कंपेरिटिव टर्म है कि एक के रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा तो इसको आप डायरेक्ट नहीं डिफाइन कर सकते बट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अ पॉलिंग स्केल इज डिफाइन जिसमें कि फोर से जीरो पॉइंट सेवन तक अलग अलग एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दी हैं हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरिन और इसको पोलिंग स्केल पे वैल्यू दिया गया है 4.0 और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम उसको दिया गया है 0.7 बाकी सारे लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इस रेंज में लाई करेंगी अभी क्या है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की क्षमता तो अब ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो ट्रेंड आप देखोगे कि जैसे जैसे आप फ्लोरिन के पास पहुंचोगे वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ही दिया अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अक्रॉस अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीमे धीमे करके बढ़ती चली जाएगी और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑन द अदर हैंड जब आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो आप फ्लोरिन वाली ही लाइन ले लो तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा उसके बाद क्लोरीन की उसके बाद ब्रोमीन की तो डाउन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो ये ट्रेंड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है अब पीरियोडिक टेबल में एक बड़ी मजेदार चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि कई सेट ऑफ एलिमेंट्स जो एक दूसरे के डायग्नली लोकेटेड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बुरी तरह से सेम होती जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम ले लें ले, आप बेरिलियम एल्यूमिनियम ले लें बोरॉन सिल्कन ले लें अब इसका कारण क्या होता है तो इसको बताया जाता है कि भाई इनमें डायग्नल रिलेशनशिप है अभी डायगनल रिलेशनशिप का बेसिस क्या है आप देखोगे जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में उसमें सारे ट्रेंड्स में एक बात बुरी तरह से लागू होती है कि वो कोई भी ट्रेंड जो लेफ्ट से राइट बढ़ता है वो ऊपर से नीचे घटता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इधर बढ़ोगे और इधर घटोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगनल वाले लोग कि वो प्रॉपर्टी लगभग बराबर आएगी और इसी चीज़ को हम लोग डायगनल रिलेशनशिप बोलते हैं ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हो इन सब की प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से मोर और लेस सेम होती है